तो जो हमारी स्किल्स डेवलपमेंट होती हैं हमारे लिए कहाँ तक सहायक होती हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक बार एक जो है लकड़ी काटने वाले जो है क्षेत्र में दो लकड़हारे थे, ठीक, दिन भर वो काम किया करते थे, ठीक। एक दोनों आदमी जब काम करते थे, चूँकि उनका एवेल्यूएशन होता था, जब वो लकड़ी काट के लाते थे, जितनी लकड़ी वो काटते थे उसको जब तौलते थे, जितना उसका वज़न होता था उसके हिसाब से उसको पैसा मिलता था, ठीक। तो जब लकड़ी काट के आती थी और जब उसको तौला जाता था जो काटा होता था उस पर, तो एक लकड़हारे को दिन भर का 50 रुपये मिलता था और दूसरे लकड़हारे को दिन भर का जो है वो 500 रुपये मिलता था, ठीक। दोनों सुबह 9 बजे से काटना लकड़ी शुरू करते थे और शाम तक वो लकड़ी काटते थे, ठीक। तो पहले लकड़हारे को एक दिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, दूसरे दिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तीसरे दिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन चौथे दिन उसने सोचा कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ कि ये मेरे बगल वाला 500 रुपये ले जाता है, मैं पहले दिन जब मैंने मेहनत किया तो मुझे 50 मिला, मैंने बहुत मेहनत बढ़ाई आगे, तो मुझे 50 से बहुत मैं बढ़ा तो 60-70 बढ़ा, 80 बढ़ा, लेकिन इसके आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, जबकि मेहनत मैं उससे ज़्यादा कर रहा हूँ, समय मैं उतना ही दे रहा हूँ। तो उसने अपने पड़ोसी को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। आपके साथ कोई क्लास में आए, क्लासमेट हो, आप दोनों आसपास बैठते हैं और उतनी ही पढ़ाई में इनके 100 out of 100 आ जाएं या 90 आ जाएं और इनके जो हैं केवल 40 नंबर आए, तो कैसा लगेगा, क्या करेंगे फिर आप? अगर आप आस पड़ोस से ही आ रहे हैं, उतनी ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे बताइए? पार्टिसिपेट करिए तो मज़ा आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, क्या करेंगे? होता है ना क्लास में किसी का बहुत अच्छा नंबर आता है और किसी का नहीं आता, होता है, आपने हर जगह फेस किया होगा, तो क्यों नहीं आता? ओके, मैं बताता हूँ। उसने दूसरे ने ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसने चुपके से उसको देखना शुरू किया कि क्या इसके साथ कोई जादू काम करता है, मुझसे 10 गुना पैसा ज़्यादा कैसे कमाता। उसने देखना शुरू किया और जब उसने देखना शुरू किया, उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो एक ताज्जुब कर देने वाला जो है फैक्ट उसके सामने आता है कि जो पहला लकड़हारा था वो जाता था, 1 घंटे 1.5 घंटे लकड़ी काटता था, उसके बाद बैठ के 1/2 घंटे आराम करता था, जिसको ज़्यादा पैसे मिलता था। फिर वो 1 घंटे 1.5 घंटे लकड़ी काटता था, फिर वो आराम करता था। ये लंच करने में 15 मिनट लेता था, जिसको कम पैसे मिलता था, और दूसरा वाला लंच करने में 45 मिनट लेता था, ठीक। बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? और फिर वो 1.5 घंटे लकड़ी काटता था। एक दिन अल्टीमेटली, और फिर जब वो पैसा लेने के लिए वहाँ आता था तो फिर उसको पैसा 500 मिलता था और दूसरे वाले को 50। अब पहले वाले के साथ क्या हुआ, पहले वाले के साथ क्या हुआ कि अगर आपसे आदमी मेहनत भी कम करे और आपसे पैसा भी ज़्यादा पाए तो क्या होगा? आपको ताज्जुब नहीं हो रहा? आपके सुनने के लिए कोई बोल नहीं रहे कुछ? क्यों मैम, बताएं। आपसे मेहनत भी कम करे कोई, आप भी उतने ही समय आए और आपके साथ में कलीग आपसे ज़्यादा सैलरी भी ले जाए, कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपसे मेहनत भी कम करे तो कोई बता सकता है कि क्या कारण हो सकता है? क्या कोई जादू रहा होगा उसके साथ? फिर अल्टीमेटली उसने एक दिन पूछ ही लिया उससे कि भाई तुम्हारे साथ क्या कोई जादू है, क्या समस्या है, बताओ कैसे आप जो है अपने आप को इतना ज़्यादा पैसा पा लेते हो, मेरे से 10 गुना ज़्यादा कैसे पाते हो? बोला कुछ नहीं, तुम घर जाते हो तो क्या करते हो? बोला मैं घर जाता हूँ, इतना थका रहता हूँ, सो जाता हूँ और उठता हूँ, खाना पीना खा के जल्दी जल्दी भाग के आता हूँ, फिर काटना शुरू करता हूँ, दिन भर लकड़ी काटता हूँ। तो बोला मैं क्या करता हूँ कि जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ
ठीक है, रेस्ट करने के बाद अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाते हैं, ठीक, सुबह आने से पहले, फिर मैं सुबह उठता हूँ, फिर थोड़ी देर धार लगा के उसकी धार चेक करके फिर यहाँ आता हूँ। जब एक घंटे कुल्हाड़ी काटता हूँ, सिर्फ काटता हूँ एक डेढ़ घंटे, तो जिस कुल्हाड़ी से तुम्हारी जो मुड़ी हुई कुल्हाड़ी है, जब तुम 10 बार मारते हो लकड़ी कटती है, मैं 4 बार में उसको, 2 बार में वो लकड़ी उतनी काट के बाहर कर देता हूँ। और डेढ़ घंटे के बाद जब मैं फिर आधे घंटे के लिए बैठता हूँ, तो 15 मिनट रेस्ट करता हूँ, फिर 15 मिनट अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता हूँ, और फिर मैं डेढ़ घंटे में तुमसे 4 गुना लकड़ी काटता हूँ। प्रत्येक डेढ़ घंटे में मैं तुमसे 4 गुना ज़्यादा लकड़ी काटता हूँ, 5 गुना काटता हूँ, और जब अपनी वो लकड़ी लेकर के जाता हूँ तो तुमसे ज़्यादा वो लकड़ी निकलती है, क्योंकि मेरी लकड़ी में धार होती है, मेरी कुल्हाड़ी में धार होती है। तो जो वार जिस आप मुड़ी कुल्हाड़ी से आप मारोगे, एक पेंच खोलना है, इसको हथौड़ी से खोलो और पेचकस से खोलो, किससे जल्दी खोलेगा, क्या करना पड़ेगा, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी।